ऑल ऑफ यू कर रहे थे और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे तो नाराज भी हो गए इनशा यह मेरा पहला लेक्चर है कोर्स आउटलाइन बनाने में थोड़ा सा लगा कि यार इस सीरीज को कैसे शुरू करे इसमें क्या कुछ पढ़ाया जाए क्योंकि देर इज नो प्रॉपर गाइडलाइन अगर आप

Python for network engineers, uh, network engineers programming for network engineers, DNA for network engineer, SDN for network engineers, programmability of network components, प्रोग्रामेबिलिटी ऑफ नेटवर्क कॉम्पोनेंट्स उस सारी कॉन्टेंट्स uh, को जब मैंने uh, चार चार के करीब ट्रेनिंग कोर्सेज थे वो लिए लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा यार मुझे अपनी बनानी पड़ेगी ठीक है तो अब ये जो ये जो ट्रेनिंग कोर्स होगा ना आम वेरी वेरी एक्साइटेड कि मैं सोच रहा था कि लास्ट ईयर

आप देख रहे हैं स्लाइड भी जबरदस्त बनी है अमेजिंग बैनर ये अभी तक बैनर ऑनलाइन आ जाएगा जब तक आपके पास ये वीडियो आएगी मैं एक्चुअली इनफैक्ट ये वीडियो जो सी है अट्ठाईस दिसंबर की दोपहर को बना रहा हूँ सही हो गया तो अरादा ये है कि फर्स्ट जनवरी में ये आपको न्यूज दी जाए हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोगों को तो बैनर इसमें बहुत सारे प्रमिंग वर्ड्स हैं मगर इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा तो न्यू बिगेनिंग न्यू बिगेनिंग किया हम लोग देख रहे हैं सीसीएनए अपडेट हो रहा है सीसीएनए थ्री पॉइंट ओ आने लगा है और उसकी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो दे चुका हूँ उसमें ऑटोमेशन ऑफ नेटवर्क है तो जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं क्या हमारे नेटवर्क में पहले ऑटोमेशन नहीं थी तो हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह चेंज हो सकती है और हो रही है सो so, उर्दू आई टी बाइट से आप याद करें और मैंने करियर पैथ फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स बताया था तो मैंने उसमें बताया था कि पाइथन जो सा है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जोन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है तो पहला पहला टाइम स्पेंड क्या था कि हम लोग जो सा है कि भैया मेरा पेन स्टोन एज में थे स्टोन एज में स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल वी लैन एक्सेस ट्रंक मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस टाइम हमने एम सी किया था तो ये ऑलमोस्ट बनती थी 98, 99, 2000 थाउजेंड का डे था उस टाइम ये ट्रंकिंग जो है ना वाज पार्ट ऑफ सी और उसके बाद फिर ब्रॉन्ज एज आ गई ब्रॉन्ज एज में हम लोग जो राउटिंग प्रोटोकॉल ई वन एस डी एन एच एस आर पी वी आर आर पी जी एल बी पी टाइप की चीजें वॉली एज आई आप लोगों को सबको पता है फ्रॉम uh, तो वॉली एज के अंदर वी एक्स लैन बीजेपी बॉर्डरलेस वायरलेस लैन नेटवर्क जो आजकल के हमारे मॉडर्न नेटवर्क चल रहे हैं रफली हम लोग इधर है दिस इज अ फ्यूचर एज ठीक है प्रोग्रामेबल एज प्रोग्रामिंग पाइथन के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है इस एज के अंदर पाइथन 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 की बात कर रहे होता है हर बंदा और हम देखेंगे पाइथन क्या है हम चला के देखेंगे हम इंस्टॉल करके देखेंगे कन्फ्यूगर करके देखेंगे तो सारा कुछ आपको आ जाएगा टेंशन नहीं लें नेट कॉन्फ यंग नेटकॉन्फ क्या है यंग क्या है आप नेटकॉन्फ और यैंग के एक्सपर्ट नहीं बनेंगे मगर मैं आपको उस लेवल पर बिठा दूंगा ये सीरीज पढ़ने के बाद कि यार आप लोगों को अगर कोई नेटकॉन्फ की बात करेगा कोई यंग की बात करेगा यंग डाटा मॉडल है ठीक है और नेट कॉन्फ एक टाइप ऑफ

ठीक है डेप्स के बारे में देखेंगे डेवलपमेंट डेव ऑप्स एनवायरमेंट में क्या चीजें होती हैं मे बी थोड़ी सी लैब भी हो उसके अंदर अब अब ट्राई में लेवल बेस्ट के लैब्स हो कंटेनर्स कंटेनर्स क्या है कंटेनर सिक्योरिटी को टच नहीं करेंगे हम लोग कंटेनर्स डेवलपमेंट को हम लोग टच नहीं करेंगे हमें आइडिया हो जाएगा कंटेनर्स हैं क्या फैब्रिक्स क्या है डी क्या है एस क्या है ठीक है मगर ये सारी चीजें जो ये उर्दू आई टी बाइट में प्रोग्रामेबल एज है ये सारी चीजें हमने नहीं पढ़नी हमने क्या पढ़ना है हमने पढ़ना है वट वी आर गोइंग टू स्टडी नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी फर्स्ट नेटवर्क प्रोग्राम हम प्रोग्राम बनाएंगे पाइथन पे फोकस करेंगे ये सारी की सारी जो है पाइथन फोकस होगी ठीक है क्योंकि यही सब सब लोग यूज कर रहे हैं पाइथन ओवन वी यू फर्स्ट हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम टिपिकल रीड एंड राइट ऑफ नेटवर्क डिवाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी यूज हो रही होती है हम उसके बारे में देखेंगे कम्यूनिकेट विद द नेटवर्क डिवाइस हम लोग कम्यूनिकेट कैसे कर सकते हैं नेटवर्क डिवाइस में पाइथन डाटा स्ट्रक्चर फंक्शन क्लासेज लाइब्रेरीज इसके बारे में सारा कुछ मैं बता दूंगा अगर आप इस कोर्स को ऐसे समझ रहे हैं कि यार ये कोर्स पढ़ के काशिफ ने ये कोर्स पढ़ाया और जी आ, मैं जो उनका हूं अब पाइथन का एक्सपर्ट हो जाऊंगा तो नहीं ये पाइथन का कोर्स नहीं है ये पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर है आप इसमें एक लाइन देख रहे हैं रीड एंड राइट नेटवर्क डिवाइस इन्फॉर्मेशन ठीक है ये रीड एंड राइट ऑफ नेटवर्क डिवाइस इन्फॉर्मेशन में भी स्टैंडर्ड पाइथन आप कोर्स लें उसमें नहीं पढ़ाया जाएगा कि नेटवर्क डिवाइस से रीड एंड राइट कैसे किया जाता है हमारे इस कोर्स में ये पढ़ाया जाएगा मगर हमारे इस कोर्स में वो दस चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी जो अदर जगह यूज हो रही होती हैं ठीक है सिर्फ एग्जाम्पल so ग्राफिक्स हम पाइथन में ग्राफिक्स नहीं पढ़ाएंगे हम पाइथन में डीप लर्निंग या ए नहीं पढ़ाएंगे

सारा Linux है, तो टाइम दैट नेटवर्क इंजीनियर स्टार्ट लर्निंग भला नेटवर्क इंजीनियर हो गया था और मुझे Linux की जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी ठीक है इंट्रोडक्शन टू दिस इज वेयर हम लोग लोगों से ना अब एक, एक्सटेंसिव गेयर के अंदर शिफ्ट कर जहां पे इंट्रोडक्शन टू एपीआई प्रोग्रामेबिलिटी बारे में, controllers, controllers क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथोलॉजी डेवलप वर्जन कंट्रोल कंटिन्यूस इंटीग्रेशन सी आई सी डी पाइपलाइन सही हो गया क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आप सांस चढ़ गया मुझे

एंड अब्दुल्ला दोनों अपने एक जो सा है नाइन्थ ग्रेड में और एक सेवंथ ग्रेड में ये दोनों पाइथन पढ़ रहे हैं। है? और ये जो पाइथन पढ़ रहे हैं इन दोनों के पाइथन के कोड मैंने चोरी करके आपको दिखा देने हैं सही हो गया अगर वो कर सकते हैंजेंट पीपलिंग टू दिस सीरीज यू आर अमेजिंग पीपल तो आप लोग भी कर सकते हैं ठीक है Basics of programming. उसके बाद हम वेरिएबल फंक्शन स्टेटमेंट्स होने चाहिए इनडेंडेशन का नहीं पता होगा पाइथन किस तरह काम करती है इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है लैंग्वेज नहीं है वो कोई मसला नहीं है अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता तो आई सजेस्ट यू उर्दू पे ऑल कोर्सेज में कोर्स प्रोग्रामिंग में जाए, जाए वहां पर सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है मेरे ख्याल में यासिर ने पढ़ाई थी इस एन अमेजिंग सीरीज आप वो पढ़ के देख लें सही है मेरी कोशिश होगी मैं लेके चलू मगर मैं देर इज अ 99% चांस आई वुड मिस वेरी बेसिक स्टफ सही हो गया तो अगर मैं बेसिक स्टफ मिस करूंगा और आप लोगों को वो समझ नहीं आएगी तो आपके ऊपर से गुजर जाएगी आप कहेंगे यार ये मैं नहीं कर सकता मैं कुछ और करूंगा ठीक है ना तो वो एक प्रॉब्लम आ जाएगा तो इसलिए इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि C++ की प्रोग्रामिंग को एक नजर मार ले सही हो गया आगे चलते हैं Zen of Python <laughs> Zen of Python क्या की की पॉइंट्स ठीक है ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली एक्सप्लिसन कि आपने जो पाइथन में कोडिंग करनी है उसको इन स्पेसिफिक रूल्स के तहत ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मगर सजेशंस है ठीक है एरर शुड नेवर पास साइलेंटली कि अगर आपके कोड आपको एरर दे तो आपने उसको डिस्प्ले कराना है ठीक है एक्सेप्शन थ्रो नहीं करनी इस तरह इस तरह की चीजें ठीक है नाउ इज बेटर देन नेवर आल दो नेवर ओफन बेटर देन राइट नाउ इट इज इम्प्लीमेंट इन हार्ड टू एक्सप्लेन इट इज बैड आइडिया ठीक है <laughs> इफ द इम्प्लीमेंटेशन इज हार्ड टू एक्सप्लेन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेट है यह सिंपल वो नहीं कहते के आई एस एस कीप इट सिंपल टू पिड ये वाली स्टोरी है सही हो गया नेम स्पेस आर वन हॉककिंग ग्रेट आइडिया लेट्स डू मोर ऑफ दम ठीक है लाइक टिपिकल नेमिंग कन्वेंशन बहुत सारी चीजें काउंट uh, होती हैं मगर ये हार्ड कोर जो डिवेलपर्स हैं उनकी उनकी वो ज्यादा समझेंगे इन चीजों का एज कंपेयर टू यू एन वी ठीक है मैं नेटवर्क इंजीनियर हेड पहन रहा हूँ मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं आती नेटवर्क इंजीनियरिंग तो मैं आपके सामने ये पढ़ रहा हूँ तो आपको शायद समझ आए ना समझ आए ठीक है मेरी नेटवर्क मेरी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड ये है कि मैंने डिग्री प्रोग्राम के अंदर प्रोग्रामिंग पढ़ी थी मुझे अच्छी तरह याद आ रहा एक टीचर हुआ करते होते थे जिन्होंने पास्कल पढ़ाई थी पास्कल से फिर उसके बाद मैंने विजुअल बेसिक भी पढ़ी सी प्लस प्लस भी पढ़ी उसके बाद क्या पढ़ी जावा पढ़ी ठीक है जावा के अंदर एक मैसेंजर बनाया मगर अब मुझे कोड को हाथ लगाया बहुत अरसा हो गया सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से हमें कोड देखना पड़ता है मेलवे रिवर्स इंजीनियरिंग देख रहे होते हैं देख रहे होते हैं बाकी सारी चीजें देख रहे होते हैं मगर बींग हार्ड कोर कोडर कभी भी काम नहीं किया मैंने ठीक है तो अब मैं पाइथन के कोर्ड देखता हूँ मगर आई एम नॉट अ हार्ड कोर प्रोग्रामर अगर मुझे कोड के अंदर प्रॉब्लम आता है आई नीड टू स्पीक टू माई प्रोग्रामर्स सही हो गया प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव एप्लीकेशन ठीक है अब प्रो एक्टिव एप्लीकेशन क्या है नेटवर्क वाइड कॉन्फिगरेशन टूल है और आपने चेंजेस आर मोर फ्रीक्वेंट आपने जी पांच हजार डिवाइसेस आपके नेटवर्क में लगी हुई है और आपने उनमें सारों में चेंज करना है ठीक है आपके पास एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है आपने सारी डिवाइसेस उसमें ऐड हुई हुई है और आपने उनमें पासवर्ड अपडेट करना है सबके सही हो गया या कंसोल वटी या कंसोल और वटी ठीक है दोनों सेम चीज नहीं है या session के लिए जो हैं वो रिएक्टिव एप्लीकेशन क्या है रिएक्टिव एप्लीकेशन ये है Reactive application ये है कि आपकी डिवाइस पर कोई इवेंट हुआ उसने एक इवेंट जनरेट किया और उस इवेंट की जनरेशन पे आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया ठीक है

कि अगर फील्ड लॉग आया तो अगर इस आई पी एड्रेस से फीड लॉग आया तो मुझे इस आई पी एड्रेस को ब्लॉक करना है अब अगर उस आईपी एड्रेस को ब्लॉक करना है वो कहाँ ब्लॉक करना है फायरवॉल पे करना है फायरवॉल आपके पास लाजमी तो नहीं सिस्को की लगी हो कहाँ की लग सकती है पोलो ऑल्टो की फायरवॉल लग सकती है अपनी पढ़ाई भी हुई है अब पोलो ऑल्टो क्या कहती है पोलो ऑल्टो कहती है कि हम तो एपीआई देते हैं आप एपीआई से काम कर ले तो अगर आपको प्रोग्रामेबिलिटी नहीं आती आपको एपीआई नहीं समझ आती आपको वो सारी कहानी का जो चैप्टर है ना एपीआई वाला वो आपको समझ ही नहीं आएगा सिरे से ये मैं बहुत ट्रस्ट में

ठीक है डेटा मॉडल ये कि इंटरफेस के अंदर फ्ला 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 कॉन्फिग्रेशन हो सकती है डिस्क्रिप्शन इंटरफेस के अंदर होती है स्विच की नेम की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती ठीक है इंटरफेस uh, कैपेबिलिटीज एक रिक्वायरमेंट है एक सेटिंग्स है ठीक है तो वो यंग डाटा मॉडल उसे बताता है नेटकॉन से ये हार्डकोर नेटकॉन जो प्रोटोकॉल यूज होता है कन्फिगर नेटवर्क डिवाइसेस के लिए ठीक है कंट्रोलर बेस्ड एप्लीकेशन कंट्रोलर बेस्ड आपके पास एक सेंट्रल कंट्रोलर पड़ा हुआ है जिस तरह आप इसको इस सर्वर को कह दें कि ये मेरे का पूरे का पूरा, का पूरा कंट्रोलर है इसको अपने से कनेक्टेड तमाम डिवाइसेज के बारे में पता है और हम इसको बताते हैं कि भैया यहाँ जाके ये ये काम करना है SDN आपका कंट्रोलर है एपी की एम एप्लीकेशन रेस्ट बेस्ड एपीआई सिस्को ने अपनी रेस्ट बेस्ड एपीआई खोली हुई है पोलोल्टो ने अपनी रेस्ट बेस्ड एपीआई खोली हुई है चेक पॉइंट ने अपनी रेस्ट बेस्ड एपीआई खोली हुई है आप उनको डिवाइसेस को ऑथेंटिकेट करके उसमें चेंज कर सकते हैं ठीक है इंटरनल एप्लीकेशन मेक्स्यूड एस डी एन कंट्रोलर जावा नॉन एड्रेसिंग टू दिस कोर्स ठीक है अच्छा सीएलआई वर्सेस नेटकॉफ सी एल का कमाल क्या था वी वी ऑल लव इट डोंट हम जब तक आई पे नहीं बैठते हमें लगता नहीं हम नेटवर्क इंजीनियर है सही हो गया सपोर्ट मेनी डिवाइस नॉट मेड फॉर ह्यूम नेटकॉन्फ आपके लिए नहीं है कि आप ये ना बैठे हो कि आप बैठ के नेटकॉन चेंज करेंगे नेटकॉन ट्रिगर होगा आपने प्रोग्राम किया होगा पीछे से और वो चेंजेस करेगा इनटू द नेटवर्क डिवाइस स्टैंड स्टैंडलो वर्स्रोल कंट्रोलर कंट्रोलर आपको जिस तरह पता है हम ऐसे टोपोलॉजी डिवाइस कम्युनिकेशन सारा कुछ आपकी एप्लीकेशन कर रही है और उसको पता है कि आपकी टोपोलॉजी कैसे एग्जिस्ट करती है उसको ये भी पता है इस लिंक पे ये आई जी आर पी चल रहा है इस लिंक पे ये चल रहा है ये कंट्रोलर की कैपेबिलिटी है अब कंट्रोलर बेस्ड एप्लीकेशन क्या है कि आपकी एप्लीकेशन बाहर निकल गई ठीक है और कंट्रोलर जो है वो सारी की सारी डिस्कवरी करता है और एप्लीकेशन उस कंट्रोलर को बता रही होती है अगर आपको ये बात अभी यहां समझ नहीं आ रही तो आप ये समझें कि ये एक सेंट्रलाइज सर्वर है जो सारी उसके पास सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है एप्लीकेशन उसको बता रही है सही हो गया कंट्रोलर इज मोर एडवांस्ड ठीक है उसके बाद एक्सटर्नल सोर्सेज है एक्सटर्नल सोर्सेज में पाइथन हो, हो, हो सकती है सिस्को हो सकती है एक्सटर्नल डिवाइसिज हो सकती है ऑल्टो कल को कोई सिक्योरिटी अप्लायंस बना देती है जो सारी ऑटोमेशन करती है वो सिस्को की एपीआई में ट्रिगर किक हो सकती है या सिस्को की डिवाइसिस किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में हो सकती है हम यहाँ पे सिस्को फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग मोस्टली सिस्को की कैटेगरी में इसको रखेंगे तो ये यह यहीं पर रहेगी ठीक है अब इधर ही एक्सटर्नल रिसोर्सेज के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक पी

ठीक इस है इसमें सर्वर स्विचेस के आपका स्क्रिप्ट क्या करता है और आईओ एस का वर्जन नंबर के दे देता है ठीक है और एक और एक्सेल शीट में उसे स्पीट आउट कर देता है डिवाइस का नाम वर्जन नंबर और ये।, ये आपका काम हो गया ये पी एक्सपेक्ट की लाइब्रेरी के बगैर नहीं होगा पी एक्सपेक्ट की लाइब्रेरी जो उनकी ये लाइब्रेरी जो विंडोज में चलाना बहुत अजाब है इसलिए हम यूबन के अंदर चलाएंगे तो आप लोगों को यूबन का इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा यूबन के अंदर हम ये चीजें रन करेंगे ठीक है सिस्को डेफिनेट सिस्को मैसिव एफर्ट कर रहा है डेवलपर्स को uh, ऑनबोर्ड करने की नेटवर्क इंजीनियर्स को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं ना वही वो, वो कर रहा है, आपको पता है फेबर मार्च के अंदर जो है सिस्को ने सी सी एन ए थ्री पॉइंट ओ के अंदर ऑटोमेशन की कहानी डाल दी है अभी वो उस लेवल पर नहीं पहुंची मगर आई कैन सी अगले चार से पांच साल में वहां तक पहुंच जाएगी इसलिए हमने कहा कि उर्दू आई टी पे ये कोर्स चलाना चाहिए

एनी anyway, तो खुश रहें दुआओं में याद रखें और अपने आपके जो कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर पाइथन इंस्टॉल कर लें और तैयारी कर लें ठीक है यू बन टू भी इंस्टॉल कर लें खुश रहें दुआओं में याद रखिएगा अगले लेक्चर में मुलाकात होती है अल्लाह हाफिज